यह मूवी अमेरिका में शुरू होती है जहां कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में एक घातक महामारी फैल गई है। इस महामारी की अजीब बात यह है कि जो भी बोलेगा वो मर जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट में कुछ लोगों की ग्राफिक फोटोज दिखाई गई है जो महामारी के शिकार हुए हैं। एक वीडियो में एक घबराई हुई महिला कार के अंदर खुद को रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। उसकी बेटी का मुंह बंद कर दिया गया है ताकि वे चिल्लाए नहीं, और महिला एक पेपर पकड़े हुए है जिसमें लिखा है कि शोर मत करो। इस सब के कारण सरकार ने भी सभी को घर के अंदर रहने और अपने फोन बंद करने का सुझाव देते हुए इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है। कुछ ही दिनों बाद महामारी ने देश के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। अंडरग्राउंड मेट्रो में तो हर जगह खून और लाशें बिखरी हुई है। बचे हुए यात्रियों ने ट्रेन की गाड़ियों के अंदर शरण ली है इस उम्मीद में कि यह तबाही खत्म हो जाएगी। अचानक एक बच्चा रोने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने में असफल हो जाती है। शोर से डरकर यात्रियों का एक ग्रुप बच्चे को ट्रेन से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माँ उसके साथ जाने का फैसला करती है। अफसोस की बात यह है कि उसका निर्णय खतरनाक साबित होता है क्योंकि कुछ ही सेकंड में कुछ उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद फिल्म उस समय पर वापस आ जाती है जहाँ यह सब शुरू हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट का एक समूह एप्लाचियन ट्रेल के नीचे गुफाओं में खुदाई कर रहा है। वे पहले कभी न देखे गए अंधेरे कक्ष में आते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। हालांकि अचानक वे इसके अंदर से अजीब आवाजें सुनते हैं और उन पर कुछ उड़ने वाले जीवों का हमला होता है जो तुरंत उन्हें मार देता है और खदान से बाहर निकल जाता है। फिल्म तब न्यू जर्सी के माउंट क्लियर में एक हाई स्कूल से शुरू होती है। एली एंड्रयूज नाम की एक बहरी टीनेजर बस का इंतजार कर रही है। तब उसे पता चलता है कि बहरे होने के कारण कुछ लोगों का झुंड उसका मजाक उड़ा रहा है। वह उनको इग्नोर करती है और घर वापस चलने का फैसला करती है। एली ने 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। हादसे में उसने अपने दादा दादी को भी खो दिया। वह साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग की मदद से दूसरों के साथ बात करती है। इस बीच रॉब नाम का एक लड़का आता है और उसे घर चलने को कहता है। उन दोनों का एक दूसरे पर बहुत बड़ा क्रश है। नेक्स्ट सीन में काम पर एली के पिता ह्यू को उनकी पत्नी कैली का फोन आता है जो उन्हें बताती है कि उनकी बेटी को स्कूल में फिर से धमकाया गया था। ये उसे परेशान करता है लेकिन इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। जब से एली ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी है, यू और केली अपनी बेटी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं। वो अक्सर इसके बारे में झगड़ते रहते हैं। एली अपने माता पिता भाई जुट और मानसिक रूप से बीमार नानी लिन के साथ रहती है। इस परिवार के पास एक पालतू कुत्ता ओटिस भी है। रात में रॉब एली को एक कॉलोनी का वीडियो भेजता है जिसमें उड़ते हुए चमगादड़ है। 3 बजे केली ने एली को जगाया और उसे नीचे आने के लिए कहा। उसने देखा कि उसका पूरा परिवार लिविंग रूम में है, टीवी से चिपके हुए बैठे हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। सभी खिड़कियां बंद है और चिमनी को प्लास्टिक से ढक दिया गया है। टीवी पे बता रहे हैं कि कई अमेरिकी शहरों पर एक अलग ही प्रजाति के टेरोसोर जैसे प्राणी द्वारा हमला किया जा रहा है जिसे वेस्प कहा जाता है। जब कुछ रिसर्चर्स ने लाखों सालों के बंद प्राचीन चट्टान के माध्यम से विस्फोट किया था तब उन्हें ये दिखे थे। शोर का उपयोग करके ये जीव कुछ ही सेकंड में इंसानों को मार सकते हैं। इस वजह से अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है और लोगों को घर के अंदर रहने और चुप रहने के लिए कहा है। जैसा कि हर कोई समाचार को डरावने रूप में देखता है, एली का सुझाव है कि वे गांव के इलाकों में जाए क्योंकि यह शांत और सुरक्षित दोनों है। ह्यू सहमत हो जाता है और हर कोई अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। ह्यू के दोस्त में से एक ग्लेन भी उनके साथ जुड़ जाता है और साथ में वे गांव के इलाके के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में एली और उसका परिवार अपनी कारों में पावर भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वे ओटिस को पेशाब करने के लिए बाहर ले जाने के अवसर का उपयोग करती है जबकि ह्यू अपने बेटे जुड़ का मनोरंजन करने की कोशिश करता है। अचानक वह एली को चिल्लाते हुए सुनता है और जल्दी से उसके पास दौड़ता है। एक आदमी ने उस पर बंदूक तान रखी है और ह्यू की कार की चाबी मांग रहा है। ह्यू सीधा साधा आदमी है लेकिन ग्लेन बचाव के लिए आता है और चोर के पैर में गोली मार देता है। भयभीत ह्यू आदमी की बंदूक लेता है और दूर चला जाता है जिससे चोर को प्राणियों द्वारा मार दिया जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे दूर पहुंच पाते ग्रुप को एक बड़े ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है जिसने सभी हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। ग्लेन एक विकल्प बताता है और वे सड़क से हट जाते हैं। ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए ग्लेन अचानक भागते हुए हिरणों के झुंड के पास आता है। दुर्घटना से बचने के लिए वह जल्दी से अपनी कार घुमाता है। वह नीचे गिर जाता है। यू तुरंत उसकी जांच करने और उसे जीवित खोजने के लिए आता है। दुख की बात है कि वह कार के अंदर फंस गया है। परिवार ग्लेन को बचाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। वह दरवाजा खोलने के लिए नट रेंच का उपयोग करना और 911 पर कॉल भी करते हैं
लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। एंड में ग्लेन को पता चलता है कि उसका खून और भी बहने वाला है, इसलिए वह ह्यू को अपनी बंदूक सौंपने और उसे छोड़ने के लिए कहता है। ह्यू अपने सबसे अच्छे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपने परिवार के खातिर वह सहमत हो जाता है। दुर्भाग्य से जैसे ही परिवार छोड़ने वाला होता है, ऑटिस को कुछ महसूस होता है और वह बार बार भौंकने लगता है। यह वेस्प को आकर्षित करता है और वह फिर कार पर जबरदस्त हमला करते हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही है, ग्लेन जो अभी भी कार के अंदर फंसा हुआ है, जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है। वह उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कारण वो खुद को ही मार देता है। इस पूरे समय में ऑटिस भोगता रहता है, इसलिए कोई विकल्प नहीं बचा है। ह्यू कठिन निर्णय लेता है और कुत्ते को अपनी कार से बाहर कर देता है और उसे मरने देता है। ह्यू को तब एहसास होता है कि वे वेस्प को आकर्षित किए बिना अपनी कार में ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे इसे छोड़ने का फैसला करते हैं। ह्यू ने वेस्प को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी कार में आग लगा दी और घर खोजने के लिए अपने परिवार के साथ पैदल निकल पड़ा। वे घंटों तक चलते हैं और लीन अपनी खांसी से निपटने के लिए संघर्ष करती है, जिससे परिवार खतरे में पड़ जाता है। शाम तक परिवार एक बंद गेट से घिरे एक सुनसान घर में आता है। जब वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गेट शोर करता है और वेस्प को आकर्षित करता है। जल्द ही मकान मालकिन भी बंदूक लेकर बाहर आती है। वह वर्तमान की स्थिति से अनजान है। वह घुसपैठियों को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्प तुरंत उसे झपट्टा मारकर मार देते हैं। वह इसके लायक नहीं थी। घटना के बाद ह्यू अंदर जाने के लिए घर के चारों ओर देखता है और एक नाली की सुरंग से जाता है। वह ये सुनिश्चित करने के लिए पहले सब चेक करता है कि यह सुरक्षित है। ह्यू से हरी झंडी मिलने के बाद सब लोग सुरंग में आते हैं, लेकिन अंदर जूट एक सांप के पास आता है। जूट चिल्लाता है और वेस्प को आकर्षित करता है। वेस्प सांप को मारते हैं, लेकिन वे केली के पैर को भी काटते हैं। समय समाप्त होने के साथ ह्यू प्राणियों को विचलित करने के लिए जल्दी से एक लकड़ी के टुकड़े का संचालन करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में परिवार अंत में घर में प्रवेश करता है और केली के घावों को साफ करता है। बिस्तर पर जाने से पहले एली रॉब से बात करती है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता को जीवों ने मार दिया है। परेशान होकर वह उसे शहर से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि रॉब जवाब दे सके, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बीच सभी परेशानी और निराशा के बीच एक धार्मिक ग्रुप बढ़ रहा है जो नए लोगों की तलाश कर रहा है और अविश्वासियों को मार रहा है। अगले दिन लिन केली के घावों की जांच करती है और देखती है कि वे संक्रमित है। ये महसूस करते हुए कि घाव एंटीबायोटिक दवाओं के बिना फैलता रहेगा, ह्यू एली के साथ एक मेडिकल स्टोर खोजने के लिए निकल पड़ता है। एक घंटे तक चुपचाप चलने के बाद वे एक सुनसान शहर में आते हैं और एक मेडिकल स्टोर की तलाश करते हैं। अंत में उन्हें एक मेडिकल स्टोर मिलता है, लेकिन यह अंधेरा और सुनसान है और यहाँ सड़े हुए मांस से बदबू भी आ रही है। जैसे ही ह्यू दवा इकट्ठा करता है, एली स्टोर के आसपास पड़ी इंसानों की लाशों के अंदर वेस्प के अंडे उगते हुए देखती है। वह अनजाने में कुछ शोर करती है और वेस्प को सचेत करती है। अब दोनों कई वेस्प के साथ दुकान के अंदर फंस गए हैं। सौभाग्य से वह एक प्लान के बारे में सोचता है। वह चुपचाप पीछे आग लगाता है और फायर अलार्म को सक्रिय करता है। फायर अलार्म और पानी के छिड़काव से आने वाला शोर जीवों को कन्फ्यूज करता है और पिता पुत्री की जोड़ी सही सलामत बच निकलने में सफल हो जाती है। बाहर वे एक पादरी से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जीप काट ली है। यह पता चला है कि वह ग्रुप का नेता है। यह लोगों को भर्ती करने और अविश्वासियों को मारने के लिए इर्द गिर्द घूम रहा है। पादरी उन्हें अपने झुंड में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन ह्यू ने मना कर दिया और वह वहां से चले गए। वे एंटीबायोटिक दवाओं के साथ सुरक्षित रूप से घर लौट आते हैं और केली ठीक होने लगती है। अगले दिन एली ह्यू के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने रात में समाचार देखा था जिसमें कहा गया था कि वेस्प ठंड के मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आर्कटिक सर्कल के ऊपर के लोग सुरक्षित है। वे उसे ग्रे नाम के इलाके के बारे में भी बताती है। ये वो जगह है जहाँ बिजली चली गई है और लोग दुनिया से कट रहे हैं। उनके फोन या कंप्यूटर की बैटरी खत्म हो रही है। यह लगभग ऐसा है जैसे फिर से अंधकार वाला समय आ गया है। उस दिन पादरी और उनके ग्रुप के सदस्य ह्यू के ठिकाने पर दिखाई देते हैं। वह फिर ह्यू को उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन यह फिर से ठुकरा दिया जाता है। जैसे ही ह्यू वापस अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, पादरी उसे रोकता है
और उसे एक डरावना नोट लिखता है जिसमें लिखा है कि लड़की जवान है। यू उसे ऊपर और नीचे देखता है और वापस अंदर चला जाता है। पादरी और उनके ग्रुप के सदस्य मानते हैं कि यू अपनी जवान बेटी को उनके लिए लाने जा रहा है, लेकिन वह बदले में एक राइफल के साथ लौटता है। हालांकि वो हैरान है क्योंकि वे जानते हैं कि वह उन्हें गोली नहीं मारेगा, क्योंकि वो एक जोर का शोर पैदा करेगा और उसके परिवार को खतरे में डाल देगा। इसके बावजूद यू राइफल की सुरक्षा हटा लेता है और ग्रुप के सदस्य अंत में चले जाते हैं। उस शाम बाद में एली को रॉब से एक मैसेज मिलता है। वह उसे बताता है कि वह देश के नॉर्थ साइड में शरण लेने के लिए जा रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग प्राणियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इससे पहले कि एली उससे इसके बारे में और कुछ पूछे, वह अपने फोन का सिग्नल खो देती है। आधी रात को यू और केली बाहर से आने वाली आवाजों के कारण जागते हैं। वह अपनी राइफल पकड़ लेता है और मेन गेट की जांच करता है, जबकि केली लिन और जूड को उठाती है। यू दरवाजे पर किसी को नहीं देखता है। हालांकि जब जूड जांच करता है तो वह अपनी उम्र की एक छोटी लड़की को बाहर खड़ा देखता है। लड़की डरी हुई दिखती है, इसलिए केली ने उसे अंदर लाने का फैसला किया। चिंतित परिवार उसे एक गर्म कंबल देता है और उसे पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई, लेकिन छोटी लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी केली ने लड़की के जबड़े पर कुछ निशान देखे और यू ने उसके मुंह का निरीक्षण किया। उन्हें पता चला कि लड़की के पास जीभ नहीं है। वह पादरी के ग्रुप की सदस्य है, जबकि अधिक संभावना यह है कि यह लड़की उनके द्वारा भेजी गई है। वे उसकी कमर की जाँच करते हैं और महसूस करते हैं कि उसके पास कई मोबाइल फोन है। इस बीच एली अपने कमरे में जागती है और उसकी खिड़की पर एक फ़ोन को नोटिस करती है। फ़ोन का अलार्म अचानक बजना शुरू हो जाता है और एली को डराते हुए जीवो को आकर्षित करता है। छोटी बच्ची का फ़ोन भी बजने लगता है और परिवार वाले फ़ोन को उतारने की कोशिश करते हैं। यू ने फ़ोन को पानी में डाल दिया, जबकि एली लिविंग रूम में चली गई। जीव खिड़कियाँ तोड़ने लगते हैं। यू और जुड वेस्प को बाहर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि एली और अन्य लोग छिपने के लिए तहखाने में जाते हैं। दुर्भाग्य से मास्क पहने हुए धार्मिक ग्रुप के सदस्य एली का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसे तहखाने में पकड़ लिया। केली आदमियों पर हमला करती है, लेकिन वे उसे लात मारते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। आदमी एली को बाहर ले जाते हैं और छोटी लड़की भी उनके साथ जाती है। गुस्से में लिन घर की सुरक्षा छोड़ देती है और बाहर आदमियों का पीछा करती है। वह तीन में से दो लोगों को पकड़ लेती है और एली को भागने का संकेत देती है। लड़की मना करती है और जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचती है, लिन जो अभी भी उन ग्रुप के सदस्यों को पकड़े हुए है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। यह वेस्प को आकर्षित करता है और वे तीनों इंसानों को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। परिवार में बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन वे बस इतना कर सकते हैं कि वे डर कर देखें। तभी पादरी और उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं। जाने से पहले वे ह्यू को चुप रहने के लिए भी ताना मारता है। हालांकि बारिश का फायदा उठाते हुए ह्यू, केली और जुड चुपचाप उनका पीछा करते हैं और एक हमला करते हैं। गुस्से में ह्यू ने ग्रुप के नेता का राइफल से गला घोंट दिया, लेकिन पादरी ने उसकी कमर में चाकू से वार कर दिया। हालांकि ह्यू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर से उठ खड़ा हुआ। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त ग्लेन का सिर से घुसामार वार का उपयोग करता है और उसको नीचे गिरा देता है, और केली बाकी लोगों को बाहर रखती है। फिर वह अपने पति की कमर से चाकू निकालकर उसकी मदद करती है। वो नेता फिर से उठने का प्रयास करता है, लेकिन ह्यू ने ग्रुप के नेता को राइफल से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद परिवार घर लौट आता है, जबकि छोटी लड़की अपनी माँ के साथ चली जाती है। इसके बाद फिल्म कुछ हफ्तों तक तेजी से आगे बढ़ती है, जहां परिवार देश भर में ट्रैकिंग करता हुआ दिखाई देता है। वे एंड में सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं। लास्ट सीन में एली और रॉब जंगल में शिकार करते हैं और ये मूवी यहां खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।